बिहार के भोजपुर जिले के तरारी सीट से पूर्व विधायक और लोजपा नेता सुनील पांडे के रिश्तेदारों के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। ये छापेमारी पटना स्थित पटेल नगर और बक्सर के चरित्र वन इलाके स्थित आवास पर हो रही है। जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई NIA की टीम कर रही है। इसकी पुष्टि बक्सर के SP ने भी की है। बक्सर में NIA की टीम पहुंची है, जहाँ चरित्र वन इलाके में आलिशान बंगले में ये कार्रवाई हो रही है। बक्सर के SP उपेंद्र नाथ वर्मा के मुताबिक ये कार्रवाई NIA की टीम कर रही है। इस टीम में बक्सर पुलिस के साथ साथ CRPF की टीम भी शामिल है। NIA को मिली जानकारी के अनुसार AK-47 सहित कई बड़े आधुनिक हथियारों की तस्करी के पीछे इन लोगों का हाथ है। इस मामले में करीब 3 महीने से टीम लगी हुई थी। झारखंड के एक मंत्री की हत्या सहित कई मामलों में जिन आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ था, उसका लिंक मिला था। इस बीच जब मुंगेर में AK-47 मामले की जांच NIA को मिली, तो कई और पुख्ता सबूत हाथ लगे। सुनील पांडे JDU के पूर्व विधायक है। बीते दिनों लोजपा में शामिल हो गए थे। 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले उन पर कानून का डंडा चला था और विधानसभा चुनाव के दौरान वे JDU छोड़कर LJP में शामिल हो गए थे। NIA की रेड किन कारणों से हुई है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। बता दें, NIA ने इस पूरे ऑपरेशन की तैयारी बड़े ही गोपनीय तरीके से की थी। गुरुवार की सुबह NIA की एक कार्रवाई ने बिहार के सियासत में हड़कंप मचा दिया। दरअसल NIA की एक बड़ी टीम ने बिहार के पूर्व बाहुबली विधायक सुनील पांडे के 4 भाइयों के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। यह सभी छापेमारी एक समय पर शुरू हुई और छापेमारी शुरू होने के साथ ही पूरे इलाकों में जो हड़कंप मच गया। दरअसल पूर्व बाहुबली विधायक सुनील पांडे के कई भाई जो कई सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं, अलग अलग धंधा करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, जबकि उनके एक छोटे भाई उल्लास पांडे पूर्व MLC भी रह चुके हैं। दोनों भाई फिलहाल LJP में हैं, लेकिन NIA ने इस कार्रवाई के बाद सनसनी इसलिए मचा दी है क्योंकि एक साथ इनके 11 ठिकानों पर छापेमारी हुई है और छापेमारी भी इस कदर कि जमीन तक की खुदाई कर दी गई है। विधायक के जो पैतृक आवास गांव है, वहां पर जो इनके घर की खुदाई की गई, NIA के जो अधिकारी थे उन्होंने जमीन तक की खुदाई कर ली, अलमीरे तोड़ डाले गए। इसके अलावा जो दीवार है उन्हें तोड़ कर भी उनसे कुछ तलाशा गया। NIA को कुछ बड़े चीज़ की तलाश थी, आखिर ये क्या चीज़ की तलाश थी, इसका पास तक खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन एक जांच से जुड़े एक अधिकारी ने कहा है कि इस पूरे मामले का लिंक AK-47 से बरामदगी के मामले से जुड़ा हुआ है। इस मामले में कई ऐसे सोर्स मिले थे जिसके आधार पर NIA पिछले 3 महीने से इस कार्रवाई को अंजाम देने में लगी हुई थी और पूरे मामले की पूरे छापेमारी का जो लीड है वो एक DIG रैंक के अधिकारी कर रहे हैं, जिनके साथ 3 SP और करीब 100 पुलिसकर्मियों की टीम है जो इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। छापेमारी जारी है और इस दौरान जो सामान मिले हैं और जो जब्तियाँ हुई हैं, NIA उसे अपने साथ ले गई है। पूरे मामले में आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकल पुलिस को भी इन्वॉल्व नहीं किया गया है। NIA ने खुद पूरे मामले को लीड किया है और जब कार्रवाई होने के बाद उन्होंने स्थानीय पुलिस को भी खबर की है। लेकिन किस बात को लेकर छापेमारी हुई है, क्या बरामदगी हुई है, इस बात को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। जरा मैं सनी के साथ अमिताभ पूछा, पटना News24।